हेलो तो भाई लोगों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की अपनी एक नई और धमाकेदार वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में पबजी मोबाइल का एक नया अपडेट आया जिसको हमने जोम्बी अपडेट का नाम भी दिया। बहुत दिनों से हम लोग यार उसका अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तो इस वीडियो में मैं उसी अपडेट का रिव्यू देने वाला हूँ। क्या चीज़ हुई है, बहुत बहुत सारी चीज़ें एक्साइटिंग उसमें अपडेट हुई मिली है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मुझे वो पर्सनल रिव्यू मैं दूँगा कि मेरे को वो अपडेट कैसा लगा, क्या था जोम्बी मोड में, जोम्बी मोड कितना इंटरेस्टिंग था, क्या उसमें धमाकेदार था, सब कुछ मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ और एक एक चीज़ को मैं पॉइंट आउट करूँगा अपडेट के बाद जो भी अपडेट के अंदर आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अपडेट की साइज़ थी वो 436 MB थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी यार। हम जैसे लोग जियो वाले गरीब लोग, वो तो उनका तो मतलब आधा डेटा तो अपडेट करने में ही निकल गया था, तो 436 MB का अपडेट था। नॉर्मल तरीके से अपडेट कर सकते थे हम वैसे ही प्ले स्टोर वगैरह में जाके। तो आगे हम बात करते हैं कि कैसा लगा जोम्बी मोड। तो भैया जब हम लॉबी खोलते हैं तो हमें सबसे पहले में देखने को मिलता है कि भैया रेजिस्टेंट एविल 2 जो कि हमारी गेम आई थी रिसेंटली, उसी की थीम उसी का म्यूजिक हमारा डाल दिया गया है उसके अंदर। और एक जो कमाल का ऑप्शन डाला गया है जो कि हमें लॉबी में सामने ही देखने को मिल जाता है, वो है सर्वाइवल टिल डाउन। भाई ये जो ऑप्शन है ये कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है, आई डोंट नो बाद में ये पेड हो जाएगा या पता नहीं इसका कुछ है। इसी के बारे में हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात थोड़ी सी लास्ट में करेंगे, उससे पहले मैं बता दूँ कि कैसा हमारा अपडेट था, क्या इसमें नया आया था। इसमें देखो मूनलाइट टू वीकेंडी लगा दी गई है, मतलब कि अब नाइट मोड भी हमारा वीकेंडी के अंदर हो चुका है, मतलब कि जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। उसके अलावा रेजिडेंस इविल 2 के आउटफुट्स हमें अवेलेबल कराए गए हैं। उसके अलावा मेन थीम एंड म्यूजिक हमने बताई दी थी। उसके अलावा शेनोक मैप था उसमें हमारा आर्केड मोड, मतलब कि क्विक मैच आर्केड मोड हमारा चला दिया गया है, मतलब अब अवेलेबल है, कोई भी बंदा शेनोक मैच के अंदर आर्केड मोड खेल सकता है। और थोड़े से ऊपर की अगर हम अदर इंप्रूवमेंट की बात करें तो वीकेंडी कुछ हाउसेस को रिडिज़ाइन करा गया है, नया बनाया गया है और कुछ यूजुअली बग्स को हमारा फिक्स किया गया है। अब हम जो मेन बात करने जा रहे हैं पबजी मोबाइल 0.11 अपडेट के बारे में, तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो लगा वो था सर्वाइवल टिल डाउन इवेंट, जो कि मेरा पहला एक्सपीरियंस जो था, मैंने पहली बार जब गेम खेला तो मेरे को कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा था। मेरे को इतना पता था कि इसमें भाई कुछ 60 बंदे अप्रोक्सीमेट हमारे आने वाले हैं, 100 की जगह 60 बंदे आने वाले हैं और मैप हमारा थोड़ा छोटा है, मतलब कि नॉर्मल क्लासिक मोड टाइप ही मेरे को लगा। बस मेरे को लगा कि सर्कल थोड़ा छोटा है और बस 60 बंदे हैं और एक दो जोम्बी आने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं गेम खेलता गया तो शुरू के 5 मिनट तो ऐसा मेरे को कुछ भी डिफरेंस नहीं लगा, लिटरली कुछ डिफरेंस नहीं लगा। फिर उसके 5 मिनट बाद जब हमारा टायरेंट इज कमिंग लिखा था उसके बाद हंगामा होता है, जब नाइट हमारी शुरू हो जाती है उसी मैप के अंदर, जब नाइट शुरू होती है तो जोम्बी आने लगते हैं। भाई जो जोम्बी आते हैं यार मैं क्या बताऊँ, मतलब कि एक बंदे के पास कम से कम 30 जोम्बी आएंगे, कम से कम 3 जोम्बी, 30 से 40 के बीच में एक नाइट में, तो वो मतलब बहुत हार्ड हो जाता है। अगर तुम्हारे पास 100-200 MO है तो तुम डेफिनेटली मरने वाले, तो उसमें हमें एमओस को 400 से 450 का अप्रोक्सीमेट रखना पड़ता है तभी जाके तुम जिंदा रह सकते हो। और सबसे बढ़िया टिप अगर मैं बताऊँ तो S12 के गन ढूंढ लेना जब भी तुम्हारा जोम्बी मोड शुरू होता है तब, क्योंकि यार X12 के में वो एक शॉट में एक जोम्बी ख़त्म होता है और वहीं पे अगर कोई और गन लोगे तो वो रिलोड होने में इतना टाइम लगा देगी भाई बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं तो पूरा एक्सपीरियंस, मतलब मैं पूरा भौचक्का हो गया जैसे ही जोम्बी आने लगे, मतलब यार क्या अमेजिंग फीलिंग थी यार, क्या बताऊँ, लिटरली फीलिंग बहुत अमेजिंग थी। उसके अलावा तुम्हें जोम्बिस से तो लड़ना ही होता है, साथ में जो 60 अपोनेंट्स हैं वो भी आप पे अटैक कर सकते हैं, उनका भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना होता है, मतलब काफ़ी हार्ड हो जाती है एंड टू एंड जब हम गेम में जाते हैं तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड टू हार्ड होने लगती है, मतलब लास्ट में जाकर तो इतना तगड़े वाला एडवेंचर होता है भैया। देखो सर्कल हमारे ब्लू जोन हमारी श्रिंक हो रही होती है, छोटी हो रही होती है, ऊपर से हमारे फिर जोम्बिस आ रहे होते हैं, फिर हमें 60 बंदे जो लैंड हुए थे उनको संभालना होता है और उसके ऊपर से फिर बॉस को देखना होता है। और उसके अलावा भैया जो सबसे खतरनाक चीज़ है स्नेक्स सांप सपोले वो लेटे होते हैं भाई जगह जैसे, क्या बोलो, मतलब लास्ट में जाते जाते तो वो एडवेंचर बढ़ता जाता है, बहुत हार्ड होता जाता है गेम, और वही तो हमें चाहिए, वही तो हमारी एक्साइटमेंट है पबजी खेलने की यार, उसी में तो मज़ा आता है। और हाँ एक कमाल की चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैप में एक साइड में बॉस आता है जो कि रेजिस्टेंस इविल का एक बॉस होता है, मतलब कि जो मेन विलन होता है वो हमारा उसी मैप के अंदर पबजी मैप के अंदर आता है, तो जब वो आता है तो कुछ लाइटनिंग टाइप होता है, मतलब थोड़ा सा उजाला टाइप होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उजाला टाइप होता है, वो दूर से ही दिख जाता है। तो मेरे को स्टार्टिंग में तो लगा यार ये कोई पबजी मोबाइल का अपडेट हुआ है ना, या तो ये कोई ग्लिच वगैरह होगा, लेकिन जैसे मैंने देखा तो यार वहाँ पे एक टायरेंट एक
ईविल है, मतलब बॉस है रेजिस्टेंस ईविल 2 का, तो उसकी एंट्री होती है वो कुछ इस तरीके से। लेकिन मैंने सोचा था कि यार ये कोई ग्लिच है नहीं, लेकिन यार कोई ये ग्लिच नहीं था, पर अपडेट बहुत फाड़ू था। अभी तक तो ये पता नहीं क्यों लिमिटेड टाइम के लिए रखा गया है, मेरे ख्याल से ये बाद में पेड ना हो जाए, और मैं यार मेरे को बहुत दुख होगा, लिटरली बहुत दुख होगा। ओवरऑल मैं जाते जाते बताऊं कि मेरे को कैसा लगा ज़ोंबी मोड ये अपडेट, भाई बहुत फाड़ू, बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। और यार 436 ml ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना तो हम YouTube पे वीडियो देखने में कर देते हैं खर्च, तो ठीक है। PUBG का अपडेट बहुत सही था, मतलब बहुत फास्ट, ज़ोंबी मोड अमेजिंग अमेजिंग लिटरली अमेजिंग। तो भाई जो लोग सोच रहे हैं कि वो 436 ml का अपडेट करें या ना करें, तो भाई डेफिनेटली करो, एक्सपीरियंस वो तुम्हारी ml ख़राब नहीं होने वाली, एक्सपीरियंस एक नंबर आएगा, बहुत ज़्यादा सही। जब नाइट होती है तो ज़ोंबी जाते हैं तो भाई हिल जाता है बंदा, मतलब यार मैं बता नहीं सकता, तुम खुद खेल के देखो। सो या दैट्स माई ओपिनियन एंड दैट्स माई रिव्यू ऑन द न्यू अपडेट। आई होप आप भी खेल के देखना, आपको भी डेफिनेटली मज़ा आएगा। और जिसने खेल के देख लिया है वो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ज़ोंबी मोड और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है इसमें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे भी बताना कि यार मैं अपनी वीडियो में किस तरह की इंप्रूवमेंट डाल सकता हूँ, और वो इंप्रूवमेंट मैं ज़रूर डालूंगा। और अगली वीडियो हमारी नई धमाकेदार से धमाकेदार होने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दे और नीचे कमेंट जरूर कर दे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय एंड कीप वॉचिंग फ्रॉस्टेड गेमर। We'll be right back.